हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 2.0। सो आज हम बात कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड की जो नोटिफिकेशन आ गई है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो गई है। तो इसमें एग्ज़ाम की एसएससी स्टेनोग्राफर के जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन्ड हो गया। तो आज हम आगे देखेंगे क्या है नोटिफिकेशन और कौन कौन से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो बिफोर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें लिखा है आ स्पेशल मीटिंग ऑफ कमीशन वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 15, 2020 टू रिव्यू द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो यानी जो 15 अप्रैल को ये एक मीटिंग की गई है स्पेशल कोरोना वायरस को लेकर, और आगे क्या है इसमें, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन, जो लॉकडाउन का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको देखते हुए, इंक्लूडिंग सोशल डिस्टेंस नॉर्म्स और सोशल जो डिस्टेंसिंग चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए, इट वॉज डिसाइडेड, या निश्चित किया गया है, डिसाइड किया गया है कि डेट्स ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस, सभी एग्जामिनेशंस की जो डेट है, वेयर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जहाँ पर सभी कंट्री के, सभी यानी पूरे देश के स्टूडेंट्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ट्रेवल करके आते हैं, विल बी रिवील्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पर उपस्थित होते हैं, एक डिसीजन, अ डिसीजन ऑन फ्रेश डेट्स ऑफ रिमेनिंग डेज ऑफ कम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन टायर 1 2019, यानी जो और CHSL का टायर 1 का जो 2019 का एग्ज़ाम है, जूनियर इंजीनियर पेपर 1 का एग्ज़ाम है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्जामिनेशन 2019, 2019 का जो ग्रेड C एंड D का एग्ज़ाम है, एंड स्किल टेस्ट ऑफ कम्बाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल, जो CHSL का जो स्किल टेस्ट है वो वाला 2018, विल बी टेकन आफ्टर 3 मई 2020 फॉलोइंग, मतलब जो लिए जाएंगे वो 3 मई के बाद लिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, फॉलोइंग द कंप्लीट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन, जो कि लॉकडाउन का जो सेकेंड सेकेंड फेज चल रहा है, जो कि 15 तारीख से या 14 से चालू हुआ 3 मई तक, उसके कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, रिशेड्यूल डेट्स ऑफ दीज एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट, यानी जो रीशेड्यूल है इन सभी का, जो दोबारा का क्रम है वो नोटिफाइड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, और रीजनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल कमीशन की जो वो है वेबसाइट, उस पर अपलोड कर दी जाएगी। एनुअल कैलेंडर एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द कमीशन ऑल्सो बी रिव्यूड द रिस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल ऑफ अदर एग्जाम्स, और अदर एग्जाम्स के भी जो रीशेड्यूल है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे है, फर्दर इट वॉज डिसाइडेड, यह डिसाइड किया गया है कि ऑफर्स एंड स्टाफ मेंबर्स SSC विल कंट्रीब्यूट 1 डेज सैलरी टू PM's सिटीजन्स असिस्टेंट एंड रिलीफ इन द इमरजेंसी सिचुएशन फंड, PM केयर्स फंड, और मतलब यह निश्चित डिसाइड हुआ है कि सभी SSC के स्टाफ मेंबर्स अपनी एक दिन की सैलरी को PM सिटीजन्स असिस्टेंट, यानी PM के जो इमरजेंसी फंड है उसमें मतलब दान करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।